अभी आप बहुत सुंदर गीतों को सुन रहे थे, मैं ही गीत आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है वो समझ जाएंगे। स्वामी राम जी महाराज से प्रश्न किया, क्या ईश्वर का नाम जपने से मुक्ति होती है? तो ऋषि दयानंद कहते हैं केवल नाम जपने से मुक्ति नहीं होती। तो पूछा फिर कैसे होती है? कहते उत्तम कर्मों को करने से मनुष्य की मुक्ति होती है। तो पूछा वो कौन से कर्म हैं? तो हिंदुओं की एक मान्यता है, मुसलमानों की भी मान्यता है, जब व्यक्ति मरता है तो खुदा उनसे पूछता बताओ तुमने कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम किए। और पंडित जी भी यही कहते हैं परमात्मा के यहाँ बहुत बड़ा बही खाता होता है जिसमें सबके कर्म लिखे रहते हैं। भले ही परमात्मा पूछे न पूछे, पर तुम सुबह और शाम बैठ करके परमात्मा से पूछा करो, ओम कृतम स्मर, अपने कर्मों को याद करो। और कौन से कर्मों को याद करें? मानो परमात्मा पूछ रहा है, मैं परमात्मा हूँ और ये जीवात्मा, ये हमारा बड़ा बेटा है, ये जीवात्मा है और मैं परमात्मा हूँ। वैसे मैं हूँ नहीं, पर मान लो थोड़ी देर के लिए, जैसे बीज गणित में मान लेते हैं, मान लो दो गधों बराबर एक गाय। अच्छा, दो गधों के बराबर एक गाय हो जाती है क्या? कोई दो गधे पाल ले, गाय न पाले, और शाम को दूध दूने के लिए बैठे, तो एक गाय के बराबर दूध दे सकते हैं दो गधे? पर लोग मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए आप भी मान लो कि दुनिया में 100 वर्ष जी, तुमने कितने शुभ कर्म किए, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, तेरा क्या किया, हो थोड़ा भागिया, हो तेरा क्या किया, थोड़ा भागिया, थोड़ा भागिया, तेरा क्या किया। दुनिया में 100 वर्ष जिए तुमने कितने शुभ कर, बोलो कितने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, तेरा क्या किया, क्या वेद शास्त्र पढ़ पाया? नहीं। क्या वेद शास्त्र पढ़ पाया? नहीं। संग विद्वानों का कर पाया? नहीं। क्या परोपकार कुछ किया? क्या किया, तेरा क्या किया, हो थोड़ा भागिया, हो तेरा क्या किया, थोड़ा भागिया, थोड़ा भागिया, तेरा क्या किया। दुनिया में 100 वर्ष जिए तुमने कितने शुभ कर्म किए, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, तेरा क्या किया, हो थोड़ा भागिया, हो तेरा क्या किया, थोड़ा भागिया, थोड़ा भागिया, तेरा क्या किया। परमात्मा ने पूछा क्या वेद शास्त्र पढ़े? कहने लगे जी हम तो पढ़े लिखे नहीं, हमारे समय में तो कहना शुरू कर दिया था पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे खराब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब। और कुछ लोगों ने कहा पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, फिर दंत कटा कटे थी किम कर्तव्य। तो ऋषि दयानंद उत्तर देते हैं फिर तो ऐसे भी कहा करो, खादितव्यम तदपि मर्तव्यम, और न खादितव्यम तदपि मर्तव्यम, फिर ठूसा ठूसम किम कर्तव्य। कहने लगे जी हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो कहा सुना होगा वेद? कहने लगे सुनने की भी फुर्सत नहीं, हम तो सपना का डांस देखते रहे। तो पूछा फिर और क्या किया? फिर और क्या किया? क्या योग अभ्यास कर पाया? नहीं।
कपट को दूर भगाया नहीं, सत्य भाषण माना किया नहीं, कभी नहीं, फिर और भला क्या किया तेरा क्या किया हो थोड़ा पाप किया किया। क्योंकि हमारे यहाँ जब पूछा जाता था भगवान की भक्ति कैसे करें, तो ऋषि दयानंद लिखते योग अभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। और अनपढ़ से अनपढ़ लोग कहा करते थे, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। तो क्या तुमने योग साधन किया? कहने लगे जी योग साधन नहीं कर पाए। ये योग अभ्यास क्या होता है? का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। पूछा ये प्राणायाम क्या होता है? कि श्वास को अंदर खींचते हैं फिर बाहर निकालते हैं, ये प्राणायाम कहलाता है। कहते हैं ये तो हमने हर रोज किया पर हमें तो दमा हो गया। पूछा कैसे करते थे? कि हुक्का पीते थे, सांस अंदर खींचते थे फिर बाहर निकाल देते थे। इन्होंने प्राणायाम तो किया पर हुक्के के साथ में, योगाभ्यास के साथ में नहीं। परमात्मा ने पूछा फिर एक काम तो जरूर किया होगा, वो कौन सा है? क्या ब्रह्मचर्य का व्रत धारा नहीं, क्या ब्रह्मचर्य का व्रत धारा नहीं, माता पिता का ऋण तारा अतिथि का आदर किया नहीं, कभी नहीं, फिर और भला क्या किया तेरा जा किया हो थोड़ा पाप किया हो तेरा जा किया थोड़ा पाप किया थोड़ा पाप किया तेरा जा किया। दुनिया में 100 वर्ष दिए तुमने कितने माता पिता की सेवा तो की होगी। कहने लगे जी हम तो शादी होते ही माता पिता से अलग हो गए, हम तो माता पिता की सेवा भी नहीं कर पाए। तो पूछा ये काम तो जरूर किया होगा, क्या जितेंद्रिय कहलाया नहीं, क्या जितेंद्रिय कहलाया और सुशीलता का गुण आया नहीं, धर्मयुक्त पुरुषार्थ किया नहीं, कभी नहीं, तूने नरेश क्या किया तेरा जा किया
विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में 200 रुपये हमारे भाई इस भारतीय भजनों